सकते हैं, ये फुलबड़ियाँ तो बनकर तैयार हैं। अब हम चाय बनाएंगे, फिर हम इन्हें मजे लेकर खाएंगे। हाय एवरीवन, दिस इज योर वेरी ओन अंकिता शर्मा, अंकिता वर्ल्ड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है, मैं घर पे हूँ फिलहाल। तो अभी जो है, वैसे 3 बजे हमारे पहाड़ियों के क्या होता है ना, तो हमारे गांव में, मतलब जो मैक्सिमम घरों में क्या होता है, 3 बजे की चाय बनती है। तो चाय पीते हैं और उसके साथ कुछ ना कुछ स्नैक्स, या फिर कुछ लोग रोटियां खा लेते हैं। जैसे किसी को दोपहर में खाने की आदत हो, वो रोटी खा लेते हैं। और मैं और मेरे भैया मैक्सिमम हम लोग बिस्किट खाना पसंद करते हैं चाय के साथ इस टाइम पे। और अभी तो हमने सोचा कुछ स्नैक्स बना लेते हैं। मम्मी कह रही थी कि क्या बनाएं, तो पहली ऑप्शन थी पोहा, लेकिन हमारे पास उसके लिए थोड़ी सी चीज़ें अवेलेबल नहीं है। तो हमने डिसाइड किया कि हम बनाएंगे ये फुलबड़िया। तो ये देखो कितनी कलरफुल है ना, ये सारी जो है शिमला से आई हुई हैं। और आज हम सोच रहे हैं कि इन्हें बनाया जाए। तो मम्मी ने तेल करने के लिए रख दिया है और मैं अभी से ये बनाने वाली हूँ। तो चलिए आपको भी दिखा दूँगी कैसे हम बनाने वाले हैं ये। तो हमारा किचन थोड़ा सा मेस्ड अप है, क्योंकि आजकल थोड़ा सा पीछे वाला सामान भी आगे आ चुका है। और ये देखिए, हमारा तेल यहाँ पर गर्म होने के लिए रख दिया गया है। और ये तैयार है हमारी फुलबड़िया, और इन्हें हम किसी उसमें रख लेंगे फिर, है ना। आजकल हमारे टैप में पानी नहीं आ रहा है, क्योंकि ऊपर से पीछे से सप्लाई काट दी गई है ड्यू टू दी कंस्ट्रक्शन, इसलिए हमने वहाँ पे वो रखा होता है। आजकल बाल्टी में पानी है, मतलब हम लोग जो है पुरानी वाली तरह की ज़िंदगी फिर से बिता रहे हैं। पहले होता था ना, हम पानी जब निकालते थे तो हम बर्तन से निकालते थे, क्योंकि हम लोग को दूर तालाब से या फिर कुओं से लेके आना पड़ता था पानी, तो वैसे करके लेते थे पानी। तो आज हम फिर से वही लाइफ, आजकल हम वही लाइफ फिर से एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ऑल्दो मैं नहीं कर रही, क्योंकि मैं क्या करती हूँ, बाहर वाला टैप है, वहाँ पर बर्तन धोने चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे हैबिट हो गई है कि टैप से पानी आना चाहिए। तो मम्मी मेरा उतने ज़्यादा नहीं, उसको उतना बड़ा इशू समझते, पर मैं सोचती हूँ कि यार इस तरह से पानी डालते डालते मुझे अच्छा फील नहीं होता, तो मैं बाहर ही चली जाती हूँ बर्तन धोने। तो ये तो चलो, ये फालतू की बात है, इन्हें हम बाद में करते हैं। तो अभी हम बनाएंगे हमारी फुलबड़िया, ठीक है। तो उसके लिए हमें चाहिए, हम इसको झारना बोलते हैं। अभी मुझे दिख तो नहीं रहा है यहाँ पे कहाँ पड़ा होगा, तो मैं पहले उसको ढूंढ लेती हूँ। तो गाइज, ये है झारना, इसे बोला जाता है झारना, मतलब हमारे अपने लोकल डायलेक्ट में। और अभी हमारा तेल भी गर्म हो चुका है, तो इससे जो है ना, ये क्या बोलते हो उसे, सरसों का तेल, शुद्ध घानी सरसों का तेल है। तो अभी इससे काफ़ी धुआं उठ रहा है, तो मेरी आंखों में भी जलन हो रही है। और ये है झारना, इसे हम झारना बोलते हैं। आप लोग अपने वहाँ पर इसे क्या बोलते हो, आप मुझे ज़रूर बताना। तो इससे जो है हम ऊपर निकालेंगे फुलबड़िया तेल में से। तो आप लोग के यहाँ पर इस इक्विपमेंट, इस टूल को क्या बोला जाता है, आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके, ठीक है। तो अब हम काम पर लगते हैं और जल्दी से बनाते हैं फुलबड़िया, फिर हम चाय के साथ इन्हें खाएंगे। अब हमारा तेल मस्त गर्म हो गया है और फुलबड़िया अब इसमें डालने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई हैं। तो अब हम इसमें फुलबड़िया डालेंगे और धीरे धीरे इन्हें पकाएंगे। इन्हें थोड़ा सा पलटना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार ये कच्ची रह जाती है। तो जैसे मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल वैसे ही आपको भी पलटना है अगर आप भी फुलबड़िया बनाना चाहते हैं। तो अगर आप यूजुअली बनाते हैं तो मुझे बताना कि आपको फुलबड़िया कैसी लगती हैं। तो गाइज, मैंने बहुत सारी फुलबड़िया बना कर तैयार कर दी थी, और जिसमें से कुछ थोड़ी कच्ची रह गई थी, क्योंकि ये कुछ टाइम पहले की फुलबड़िया हैं, तो इसमें थोड़ा सा जो है सीलेंस हो गई थी और कुछ थोड़ी सी कच्ची भी रह गई। तो बाद में मैंने उन्हें साइड कर लिया, और जो अच्छे से जो डीप फ्राई हुई थी उन्हें हमने खाया, और ये बहुत यम्मी लगती है चाय के साथ, मुझे तो बहुत पसंद है। सो गाइस, आप देख सकते हैं ये फुलबड़िया तो बनकर तैयार है। अब हम चाय बनाएंगे, फिर हम इन्हें मजे लेकर खाएंगे। तो इट वॉज ऑल अबाउट द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे अंकिता वर्ल्ड में, तब तक आप देखते रहिए अंकिता वर्ल्ड और एंजॉय करते रहिए मेरी जिंदगी के कुछ हसीन लम्हे, हसीन पल, और बी अ पार्ट ऑफ इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाई।